वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। अगर आपको कोई शिक्षक कहे कि एक इंजेक्शन से आपके 2 साल के बच्चे का दिमाग 6 साल का हो जाए, वह 2 साल में ही वह सब करने लगे जो 6 साल का बच्चा करने लगता है, 1 मिनट के लिए तो आपको लगेगा कि हाँ यह अच्छा है, लेकिन कभी सोचा है कि बच्चे की जिंदगी और बच्चे का बचपन एक अनमोल रत्न की तरह होता है और इसे हम एक इंजेक्शन से बर्बाद नहीं कर सकते। अपने स्वार्थ के खातिर हम बच्चों का बलि नहीं चढ़ा सकते, लेकिन एक ऐसा ही वाकया एक शिक्षक ने अपने छात्र के साथ किया है। वह शिक्षक जो कभी सच्चाई की राह पे चलने के लिए सिखाता है, वह शिक्षक जो सही राह दिखाता है, लेकिन अगर वही शिक्षक आपके बच्चे के साथ शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दे तो उसे शिक्षक नहीं हैवान कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूँ निधि झा और आप देख रहे हैं GS। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के मंडावली इलाके की है, जहां ट्यूशन ट्यूटर का पर आरोप है कि वह बच्चों को इंजेक्शन देकर दिमाग और उसकी लंबाई बढ़ा देता था। यह मामला तब साफ हुआ जब एक छात्र के पेरेंट्स को यह जानकारी मिली, जब उसके बच्चे ने उस वाकया को अपने घर में बताया। मामला तुल पकड़ने लगा, परिजनों ने हंगामा किया और पुलिस बुला ली। शुरुआती छानबीन के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपी ट्यूशन ट्यूटर को गिरफ्तार कर लिया है। बात करते हैं सियासी गलियारों से। जदयू के नए विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट हो गई है जारी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया पुनर्गठन। इस वक्त सियासी गलियारे से यह खबर निकल कर आ रही है, जहां जनता दल यूनाइटेड के पार्टी ने नए विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बिहार के सभी 243 विधानसभा में प्रभारियों का पुनर्गठन किया है। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से विधानसभा प्रभारियों को जो लिस्ट जारी किया गया है, उसमें से कई नए लोग भी शामिल हैं। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में लगी आग, मची अफरा तफरी। मुजफ्फरपुर जिले से यह सामने खबर निकल कर आई है, जहां सदर अस्पताल में यूनिसेफ ऑफिस में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है, संपर्क करें 8603493747। जहानाबाद के कुख्यात नक्सली चढ़ा एसटीएफ के हत्थे, अब तक 19 नक्सली वारदात को दे चुका था अंजाम। खबर बिहार के एसटीएफ की सफलता से जुड़ी है, जहां जहानाबाद के काको में कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने कुख्यात नक्सली राम इकबाल मोची को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली राम इकबाल मोची मसौरी के दिघवा गांव का रहने वाला है, जिसमें अब तक 19 नक्सली वारदात को अंजाम दिया है। नक्सली राम इकबाल मोची की गिरफ्तारी को एसटीएफ की बड़ी सफलता मानी जा रही। सुशांत सिंह राजपूत के भाई को गोली मारने वाला गिरफ्तार, एसपी लिपि सिंह ने 2 हफ्ते में अपराधी को धर दबोचा। सहरसा में इन दिनों अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। बिहार पुलिस तेजी से बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सहरसा के एसपी लिपि सिंह को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसपी लिपि सिंह ने बॉलीवुड के दिग्वंत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के भाई को गोली मारने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है।
वाल्मीकि नगर के विधायक ने कराई पूर्व जीप सदस्य की हत्या, परिजनों ने लगाया आरोप। बगहा से यह खबर निकल कर आ रही है जहां पूर्व जिला पार्षद सदस्य दया वर्मा की हत्या मामले में परिजनों ने बड़ा बयान दिया है। परिजनों ने हत्या का सीधा आरोप वाल्मीकि नगर के जदयू विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह पर लगाया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस और विधायक की मौजूदगी में इस हत्याकांड का अंजाम दिया गया है। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नीतीश कन्हैया की मुलाकात पर बोले आरसीपी, हमारी सरकार की जीत दिए नए राजनीतिक संकेत। बिहार के सियासी गलियारों में सोमवार का दिन कन्हैया कुमार और सीएम नीतीश कुमार के बीच के मुलाकात का रहा, जिसको लेकर सियासत में तरह तरह के बयानबाजी शुरू हो गई। मामले में जदयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह हमारी सरकार की जीत है, विरोधी भी इस बात को समझने लगे हैं और नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए बेहतर काम किया है। सरस्वती पूजा को लेकर पटना जिला प्रशासन की तैयारी पूरी। मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाई तो होगी कार्रवाई। कल यानी 16 फरवरी को विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा जहां एक ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहीं इस बार मूर्ति विसर्जन को लेकर पटना के कई घाटों पर कृत्रिम घाट का भी निर्माण किया गया। प्रशासन द्वारा जहां पर मूर्ति विसर्जन की समुचित व्यवस्थाएं की गई है, वहीं हिदायत भी दी गई है कि डीजे बजाना अलाउ नहीं है। आज की खबर में बस इतना ही, धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।